हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मुझे कहीं जाना है। अभी मैं फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है। हम फ्रेंड्स के घर से निकल चुके हैं। अब हमें रास्ते में ये माता रानी की मंदिर मिली। ये काफी पुरानी काली मंदिर है। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ये काली माता की मूर्ति है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सदैव सभी पे कृपा बनाए रखें। इधर शनि देव की मूर्ति है। ये पीपल का पेड़ है और कल ना शनिवार भी था और ये कल का वीडियो है फ्रेंड्स। हमें तो याद भी नहीं था कि आज शनिवार है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि चलिए हम लोग फिर मंदिर में माथा टेक ही लेते हैं अगर यहाँ से जा रहे हैं तो। ये मंदिर का तो गेट ही नहीं खुला, नहीं तो हम आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। और ये पेड़ों पे इतने सारे पक्षियों का चहकना इतना प्यारा लग रहा था ना फ्रेंड्स कि आपको बता नहीं सकते। इतनी शांति मिल रही थी कि लग रहा था कि अपने सारे दुखों दर्दों को भूल गए। ये भोले बाबा का मंदिर है और हम दोनों यहाँ पे सभी पक्षियों का चहकना इतना प्यारा नज़ारा देख रहे हैं। फिर दूसरे थोड़ी ही दूर पे दूसरा मंदिर था शनि देव का। ये मंदिर अभी कुछ ही साल पहले बना है। ये देखिए इतना अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल ही धूप नहीं था फ्रेंड्स। और ना हवा देखिए पानी पे, आपको समझ में आ रहा हो कि हवा चल रही है, पानी का लहराना। और यहाँ पे मुझे एक जानने वाले भैया थे, वो मिल गए, हम उनसे बात करने लगे। यहाँ पे बहुत सारे खास लोग भी मिले थे। और ये शनिदेव की मूर्ति मंदिर में आके काफी ही शांति मिलता है फ्रेंड्स। आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हो मंदिर में जाकर। और यहाँ पे उस दिन भंडारा भी चल रहा था तो हम सबों ने प्रसाद भी खाया, घर भी लाई थोड़ा सा प्रसाद बच्चों के लिए।
मैं और मेरी फ्रेंड्स बात कर रहे थे, उसी में मुझे कुछ उन्हें बात पे हंसी आ गई। और वहाँ पे सभी हमें ऐसा देख रहे थे ना फ्रेंड्स, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था, अपने में बहुत खुशी भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में। प्लीज़ हमारे वीडियो को देख इसी तरह देखते रहिए, अपना प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।